हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि GTA 5 में मोड्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बड़े बड़े यूट्यूबर को देखा होगा, वो अपने GTA 5 में मोड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कार मोड्स हुआ और कैरेक्टर मोड्स हुआ। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग वही जानने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को 5 टूल की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में जाता हूँ। इन सभी टूल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला वाला टूल है OpenIV, उसके बाद दूसरे पे है नेटिव UI, थर्ड पे है स्क्रिप्ट हुक V, उसके बाद फोर्थ पे हम लोगों का स्क्रिप्ट हुक V.net, उसके बाद फिफ्थ पे हम लोगों का मेन्यू है, सिक्स पे है हमारी लंबरगिनी कार। तो आज हम लोग इसी को हम लोग रिप्लेस करके दिखाएंगे यहाँ पे। उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना है, मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले OpenIV को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे कंटिन्यू की बटन पे क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करके यहाँ पे टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इन सभी टूल को आप लोगों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं इन सभी टूल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को अपने GTA 5 के मेन फोल्डर में जाना है। यहाँ पे ये देखिए, मेरा GTA 5 है। अगर आप लोगों का GTA 5 का आइकॉन नहीं है तो अपने वॉल्यूम में जाके वहीं से ओपन कर सकते। मैं यहीं से ही ये देखिए ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक कर दूंगा, ये खुल जाए। इस साइड है हमारा GTA 5 का फोल्डर और इस साइड है हमारा टूल का फोल्डर। तो अब हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले GTA 5 के फोल्डर में एक मोड्स का फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे न्यू फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखना है मोड्स, यहाँ पे मोड्स लिख देना है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को इस अपडेट फोल्डर को इसमें कॉपी करना है। यहाँ पे मैं कॉपी करके मोड्स फोल्डर में जाके यहीं पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ से बैक हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 5 RPF फाइल सेलेक्ट करके उसी मोड फोल्डर में कॉपी कर देना है। यहाँ पे ये 5 RPF फाइल को हम लोगों को उसमें कॉपी कर देना है। यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं और मोड फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। RPF फाइल कॉपी हो चुकी है। अब हम लोग उसके बाद हम लोगों को बैक आ जाना है। यहाँ पे GTA 5 के मेन फोल्डर में एक और फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नेम है स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं फोल्डर को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे स्क्रिप्ट का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम लोगों को यहाँ से नेटिव UI की फाइल को इसमें पेस्ट कर देना है। रिलीज में हम लोग की नेटिव UI फाइल है, इसको हम लोग कॉपी करके स्क्रिप्ट फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। उसके बाद स्क्रिप्ट फोल्डर में जाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा GTA 5 मोडिंग करते हुए कभी भी क्रैश हुआ तो कोई भी डेटा आपका डिलीट नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट हुक वी की फाइल को कॉपी करके यहाँ GTA 5 के मेन फोल्डर में पेस्ट कर देना है, यहीं पे करना है। ओपन करता हूँ, बीन में जाना है। उसके बाद इसमें से दो फाइल को आपको कॉपी करना है, एक स्क्रिप्ट हुक वी DINPUT@DLL, ये दोनों फाइल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और GTA 5 के मेन फोल्डर में ही पेस्ट करूँगा। यहाँ पे ये हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को इसमें से बैक हो जाना है। उसके बाद अब हम लोगों को स्क्रिप्ट हुक V.net की फाइल को कॉपी करके यहीं GTA 5 के मेन फोल्डर में पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैं .net की फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ से आप लोगों को सिर्फ 3 फाइल को कॉपी करना है। सबसे पहली फाइल है स्क्रिप्ट हुक V.net.asi, इसको कॉपी करेंगे। उसके बाद स्क्रिप्ट हुक V.net2.dll, उसके बाद थर्ड फाइल है .net3rd.dll। यहाँ से 3 फाइल को कॉपी करके हम लोग GTA 5 के मेन फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हमारा बचा है ट्रेनर जिसका नेम है मेन्यू। तो अब हम लोग इसमें जाएंगे और इसकी 2 फाइल को कॉपी करेंगे, एक मेन्यू स्टफ फोल्डर को और एक मेन्यू ASI को। सो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, GTA 5 के मेन फोल्डर में पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बस अब हम लोगों को दोनों फोल्डर को क्लोज कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे आप लोगों ने OpenIV, इसको ओपन करना है। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। आप लोग जैसे इसको ओपन करेंगे, आप में शो करेगा कि GTA 5 का मेन फोल्डर कहाँ पे, उसको सिलेक्ट करिए। आप लोग सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, वो ओपन हो जाएगा। ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। तो पहले मैं इसको साइड में कर लूंगा। आप लोगों को यहाँ पे टूल पे क्लिक करके SI मैनेजर को इंस्टॉल करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को इन तीनों को इंस्टॉल कर लेना है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है।
उसके बाद अब हम लोग फ्रैंकलिन की कार को रिप्लेस करने वाले। ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मोड फोल्डर में जाना है, उसके बाद यहाँ पे 64e.rpf फाइल में जाना है, उसके बाद लेवल में जाना है, GTA 5 में जाना है, उसके बाद ये देखिए vehicles.rpf में जाना है। उसके बाद अब हम लोग इसमें कुछ एडिट करने वाले, तो यहाँ पे एडिट मोड को सबसे पहले ऑन कर लेना है। ये देखिए ऑन कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे फ्रैंकलिन की कार का नेम है Buffalo 2। यहाँ पे देखिए Buffalo 2 आ चुका है, पूरा लिखना है। यहाँ पे दो Buffalo है तो यहाँ पे हम लोग Buffalo 2 लिख देंगे। ये देखिए तीन फाइल है Buffalo 2 की। यहाँ पे जो हम लोगों ने Lamborghini Terzo कार को डाउनलोड किया था, उस फोल्डर को आप लोगों को ओपन कर लेना है। मेरे में ये देखिए, मैंने यही Lamborghini Terzo को डाउनलोड किया था, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट भी करके रखा, आप लोग एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको ओपन करना, ये देखिए हमारी तीन फाइल यहाँ पे भी है और तीन फाइल यहाँ पे भी है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को रीनेम करना है। यहाँ पे मैं इसको रीनेम करूंगा, तो यहाँ पे हम लोग फ्रैंकलिन की कार का नेम लिख देंगे Buffalo 2। उसके बाद यहाँ पे ये थर्ड वाली जो YFT की फाइल है, यहाँ पे उसको हम लोगों को Buffalo2_high.yft, ये तीनों फाइल रीनेम हो चुकी है। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को इसको ओपन करके देख लेना है ये कौन सी कार है। यहाँ पे ये देखिए, ये फ्रैंकलिन की कार हम लोगों की यही है। उसके बाद हम लोग इसका बैकअप ले लेंगे, यहाँ से ये तीनों फाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई फोल्डर बना देंगे सबसे पहले, ताकि हमारी कभी भी फ्रैंकलिन की कार ऐड करना पड़ेगा ये तीनों फाइल हम लोग पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने फ्रैंकलिन कार के नाम से इसमें पेस्ट कर दी, ये मेरे फ्रैंकलिन कार है, बैकअप ले लिया मैंने। अब इस तीनों फाइल को हम लोगों को इसमें पेस्ट कर देना है, यहाँ से हम लोग ड्रैग करके डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। ये देखिए पेस्ट हो चुकी है, अब इसको हम लोग ओपन करके देखेंगे क्या ये पेस्ट हुई या नहीं। ये देखिए हमारी रिप्लेस हो चुकी है, अब हम लोगों को इसको क्लोज कर देना है। ये देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग अपने GTA 5 को ओपन करके देखेंगे क्या ये रिप्लेस हुई या नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का GTA 5 ओपन हो चुका है। ये देखिए हम लोग का फ्रैंकलिन कैरेक्टर पे स्विच है, तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रैंकलिन की कार देखेंगे हम लोग कहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जाएंगे फ्रैंकलिन की कार के पास, देखते हैं कि रिप्लेस हुई या नहीं। तो यहाँ हम लोग पीछे से उसके घर के पास जाएंगे। ओ भाई, फ्रैंकलिन की कार दिखी हम लोगों को, फ्रैंकलिन भैया की कार रिप्लेस हो चुकी है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी Lamborghini Terzo कितनी इपिक दिख रही है। फ्रेंड्स ऐसे ही हम लोग अपने GTA 5 में किसी भी कैरेक्टर की कार चेंज कर सकते हैं। जल्द वीडियो लेके आऊंगा कि माइकल की कार को रिप्लेस कैसे करें। सो फ्रेंड्स, अगर आप में GTA 5 डाउनलोड नहीं है, आपके पास डेटा भी नहीं, अनलिमिटेड डेटा भी नहीं है, ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा मेरी वीडियो देख के। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जैसे ही अगला अपडेट आए आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।